Tekirdağ, Adana, Zirve'den selam. Durmak çok o mi? Sonra size sigara filan. Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim derim. सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी? होप कि सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार की न्यू स्टेटस वीडियो। तो गाइस, अगर आप इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको जो पड़ेगी काइन मास्टर ऐप की। और आप मेरा काइन मास्टर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा। ओके गाइस, तो गाइस अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड लाइन बेलाइकन जरूर दबा दीजिए। तो गाइस, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, तब आप इस प्रकार की वीडियो को बिल्कुल भी आसानी से बना पाओगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, बॉक्स आइकन। ओके गाइस, इस पर क्लिक कर देना है आपको। जब इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है, अपने इंटरनेट को आप ऑन कर लेना। ओके गाइस, ये मतलब एक आप बोल सकते हैं गेट मोड पर आप क्लिक करते हो, वही वाला ऑप्शन है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे तीन नंबर पे एक ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा होगा, ये कहीं पर भी हो सकता है, तो आप देख लेना ये कहाँ पर है, उस पर आपको क्लिक करना है। या उस पर क्लिक करोगे, आपको जाना है एक्शन में, और एक्शन में जैसे जाओगे, यहाँ से आपको बहुत सारा ट्रांजेक्शन मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगता है उसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, और उसी को हम अपनी वीडियो में बनाने में यूज करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारा है, तो आपको यहाँ से जो भी अच्छा लगता है आप उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तो ये वाला भी डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से आप ढूंढ लेना जो भी आपको अच्छा लगता है, वही वाला आप डाउनलोड करना। ओके गाइस, फिर आपको इस प्रकार से काइन मास्टर में आने के बाद पर सेकंड पे क्लिक करना है, और यहाँ से विजुअली साइज को सिलेक्ट करना है। फिर आपको जाना है सेटिंग में, एडिटिंग में जाके फिर स्क्रीन कर देना है, फिर आपको डन करना है यहाँ से। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि आप ज़्यादा ही में सिलेक्ट करना, मतलब ज़्यादा ही में सेलेक्ट करना, 10, 20, 30, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ही सिलेक्ट करना। तो मैं थोड़ा कम ही सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरे को आपको बताना है जल्दी में। ओके, तो मैं थोड़ा कम ही में सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैंने कुछ इमेज को सिलेक्ट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। तो आपको इस प्रकार से पहले इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपने ट्रांजेक्शन डाउनलोड किया था वहाँ से उस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे ऐड करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है वही ऐड करना है। इसको स्पीड रखना है मैक्सिमम, कम से कम 2.5 आसपास रख लेना, उससे कम स्पीड मत रखना, क्योंकि कम स्पीड रखोगे तो वहाँ पे जो हम वीडियो का स्पीड बढ़ाएंगे उसमें हमारा ट्रांजेक्शन दिखाई ही नहीं देगा। तो आप देख लेना अपने हिसाब से, इस प्रकार से अपने ट्रांजेक्शन को आप अपनी वीडियोस में ऐड कर लेना। तो गाइस, मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ और भी ट्रांजेक्शन जो भी मेरे पास है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो जो जो आपके ट्रांजेक्शन आपने डाउनलोड किया हुआ आप उसको इस प्रकार से यहाँ पे ऐड कर लेना। अब गाइस, ट्रांजेक्शन ऐड करने के बाद अपनी जो भी इमेज रहेगा उसका जो लेंथ है पूरा 0 कर देना है, इस काइन मास्टर के हिसाब से। और आपके पास कोई और काइन मास्टर है तो उसको अपने हिसाब से देख लेना आप। ओके, तो इस प्रकार से आपको कर लेना है, और जैसे इसको आप कम कर दोगे फिर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, शेयर आइकन पे क्लिक करना है और ये वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके गाइस, तो गाइस वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको इस प्रकार से काइन मास्टर में बैक आ जाना है। फिर आपको पर सेकंड पे क्लिक करना है और यहाँ से विजुअली साइज को सिलेक्ट करना है। अब गाइस, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। सबसे पहले ये वीडियो को एड करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, यहाँ पर मैं उस वीडियो को एड करता हूँ। तो गाइस, इस प्रकार से वीडियो आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब गाइस, फिर आपको यहाँ पे मीडिया क्लिक करना है, जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट किया था उसको एडिट करना है। अब गाइस, इसको एडिट करने के बाद आपको इसका जो स्पीड अपने हिसाब से देख लेना है, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है जितना स्पीड उतना स्पीड अपने हिसाब से आप रख लेना। ओके गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और इसका स्पीड जब आप और बढ़ाओगे तो आप और भी बढ़ा सकते हो। आपका जो ट्रांजेक्शन है, आपका जो इमेज है, वो जल्दी जल्दी चेंज होगा अगर आप इसका लेंथ और भी ज़्यादा बढ़ा देते हो तो। ओके गाइस, तो गाइस अपने हिसाब से देख लेना इसका स्पीड, आप ज़्यादा मतलब पहला जो आपका वीडियो रहेगा उसका स्पीड थोड़ा कम रखना, और उसका इसका डुप्लीकेट निकाल लेना है आपको, और इसका जो स्पीड रहेगा उसको बढ़ा देना है, मतलब ज़्यादा ही बढ़ा देना है, 4.5 के आसपास रख लेना। इस प्रकार से देख लेना आपका जो वीडियो ज़्यादा लेग ना करे और कुछ इस प्रकार से दिखाई दे, तो मैं 4x रख लेता हूँ। ओके गाइस, तो गाइस अब आप लोग देखते हो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, फिर भी लेग कर रहा थोड़ा। तो गाइस, फिर इसका डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हो गाइस, इस प्रकार से आपको कर लेना है। सो गाइस, फिर आपको यहाँ पे ले करना है और लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और गाइस मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ये लाइव फेड को यहाँ पे एड करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देना है, इसका ब्लेंडिंग में जाकर स्क्रीन कर देना है। तो गाइस, ये स्क्रीन हो चुका है, आप लोग देखते हो, तो आपको इस प्रकार से स्क्रीन कर देना है। तो स्क्रीन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ले करना है और लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फिर से आपको दूसरा ही फेड को ऐड करना है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, इसको मैं ऐड करता हूँ, तो मेरा मोबाइल जो थोड़ा लेग करता है। ओके गाइस,
तो गाइस फिर आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देना है, इसका ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन कर देना है। तो गाइस ये स्क्रीन हो चुका है, फिर आपको यहाँ पे ले करना है और लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और फिर से ये स्मोक इफेक्ट वीडियो को एड करना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइस, तो गाइस मैं उसको एड करता हूँ। तो गाइस काज कुछ इस प्रकार की स्मोक इफेक्ट है जिसको मैंने खुद से बनाया, मतलब फिर इसका ब्लेंडिंग में जाके आपको स्क्रीन कर देना है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देखते हो वीडियो देखने में कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। तो गाइस फिर आपको ऑडियो क्लिक करना है, जो भी आपका ऑडियो उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो जो ऑडियो मैंने यूज किया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, या तो आपके पास कोई और है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो मेरा जो ऑडियो है ना वो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो आप उसको ट्रिम कर देना। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप ट्रिम कर लिया करो अपने ऑडियो को। तो इस प्रकार से मैंने अपने ऑडियो को एड कर लिया, तो मैं अपने मन से बिना सुने इसको ट्रिम कर देता हूँ। तो इस प्रकार से ट्रिम कर दिया, अब वीडियो को इस प्रकार बनी है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देखते हो, तो गाइस फिर आपको शेयर आइकन पे क्लिक करना है, अपने इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करके। और गाइस यही आज का वीडियो, होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और भी एडिट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।